क्या आपको पता है कि मुंबई में समंदर के नीचे एक और सुरंग बन रही है जो पिछली सुरंग से ज्यादा गहराई वाली और उससे काफी लंबी है। कुछ महीने पहले तक मुंबई में समंदर के नीचे एक भी सुरंग नहीं थी, अब उसी मुंबई में समंदर के नीचे तीसरी सुरंग की खुदाई शुरू हो गई है। कोस्टल रोड फेज 1 में बनी सुरंग और बुलेट ट्रेन के लिए बन रही सुरंग पर तो आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस नई सुरंग के बारे में आपको कम ही जानकारी होगी। इसलिए द ड्राफ्ट में हम आपके लिए मुंबई में बन रही अब तक की सबसे गहरी सुरंग पर ये डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको कई नई जानकारियां मिलेंगी। अगर आप देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि हम इस वीडियो में बताने क्या वाले हैं। मुंबई में समंदर के नीचे एक और सुरंग क्यों बनाई जा रही है, ये कहां बनेगी और इसे बनाने में कितना खर्च आएगा, इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। पिछली बार मुंबई में समंदर के नीचे सुरंग बनाने के लिए चीन से टनल बोरिंग मशीन लाई गई थी, इस बार कौन सी TBM का इस्तेमाल हो रहा है? सवाल ये भी है कि जिस मुंबई में एक दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटक जाते थे, वहाँ बैक टू बैक समंदर के नीचे सुरंग और ऊपर पुल कैसे बन रहे हैं? और वीडियो के अंत में आपको देश की सबसे लंबी समुद्री सुरंग का काम कहाँ तक पहुँचा है, इसका भी एक छोटा सा अपडेट देंगे। अब आते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले समझिए कि ये सुरंग मुंबई के किस इलाके में बन रही है और इस पर कितना खर्च आएगा। मुंबई में जिस कोस्टल रोड को दो चरणों में बनाया जा रहा है, उसी के दूसरे चरण वाले हिस्से में इस सुरंग का निर्माण हो रहा है। पहला फेज मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग के बीच पूरी तरह से बन चुका है। इसमें 10.5 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनी है, जिसमें 2 किलोमीटर की एक सुरंग बनी, जिसका 1 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के अंदर है। दूसरा फेज मलाड से कांदीवली के बीच बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 22.93 किलोमीटर होगी, जिससे वर्सोवा को दहीसर से जोड़ते हुए एक हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर में 3.9 किलोमीटर का एक हिस्सा है, जिसमें एक ट्विन टनल का निर्माण होगा। ये सुरंग नॉर्थ मुंबई में घनी आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे से गुजरेगी, जिसमें पोईसर नदी, मद क्रीक और मैंग्रोव पैच शामिल हैं। कोस्टल रोड फेज 2 को बनाने में कुल 16,621 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें अकेले इस ट्विन टनल पर 5,821 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक खास बात ये भी है कि ये सुरंग समुद्र तल से करीब 40 मीटर की गहराई में बनाई जाएगी, जो पिछली सुरंग की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सुरंग सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होंगी, बल्कि 2 सुरंगों का निर्माण होगा, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, इसीलिए इसे ट्विन टनल भी कहा जा रहा है। इस ट्विन टनल का उत्तरी और दक्षिणी छोर चारकोप और माइंड स्पेस से निकलता है। ये दोनों सुरंग एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। एक तरफ से जाने के लिए 3 लेन होगी और दूसरी तरफ से आने के लिए 3 लेन होगी, यानी 6 लेन वाली सुरंग होगी, जिसकी चौड़ाई 36 से 45 मीटर तक होगी। चूंकि ये ट्विन टनल काफी चौड़ी और 6 लेन की है, इसलिए इसके निर्माण के लिए बड़ी टनल बोरिंग मशीन की जरूरत है। 3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण 14.2 मीटर व्यास वाली टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करना होगा। 700 मीटर में आयताकार कट एंड कवर डिजाइन होगा, जिसमें 200 मीटर के प्रवेश और निकास रैंप और 15.1 मीटर का सुरंग डिवाइडर होगा। दोनों सुरंगों में 3 लेन के अलावा 5 आपातकालीन क्रॉस मार्ग शामिल होंगे। सुरंगों में मॉडर्न फायर फाइटर डिवाइस, वेंटिलेशन और हीट सेंसर लगे होंगे। यानी अब तक आपने मुंबई में समंदर के अंदर सुरंग बनने वाली जो कहानी सुनी थी, नई सुरंग का निर्माण उससे भी कहीं मुश्किल होने वाला है। अब सवाल ये है कि पिछली बार मुंबई में समंदर के नीचे सुरंग बनाने के लिए चीन से टनल बोरिंग मशीन लाई गई थी, इस बार कौन सी TBM का इस्तेमाल हो रहा है? पिछली बार चीन के जिस टनल बोरिंग मशीन से कोस्टल रोड फेज 1 की सुरंग बनाई गई थी, उसे मावला नाम दिया गया था। ये बोरिंग मशीन करीब 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर थी और इसकी लंबाई 40 फीट थी। इस TBM का वजन करीब 2000 टन था। ये मशीन हर दिन 8 मीटर की खुदाई कर सकती थी। इस दौरान इस TBM को भारत में सुरंग निर्माण करने वाली सबसे बड़ी मशीन कहा गया था। फिलहाल भारत में इतनी बड़ी दूसरी TBM नहीं है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी TBM का इस्तेमाल इस सुरंग के निर्माण में होगा। हालांकि TBM मावला का इस्तेमाल फिलहाल ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली सुरंग के लिए किया जा रहा है। ये सुरंग ऑरेंज गेट पर ईस्टर्न फ्रीवे ड्रॉप के पास से शुरू हो रही है और पश्चिमी हिस्से की तरफ जा रही है। L&T इस सुरंग का निर्माण कर रही है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों ने TBM बनाने की शुरुआत कर दी है। ये कोशिश भी हो रही है कि स्वदेशी TBM से टनल का निर्माण हो, इससे भारत के पैसे भी बचेंगे और आत्मनिर्भरता भी आएगी। लेकिन जब सुरंग की चौड़ाई ज्यादा होती है तो ज्यादा बड़ी TBM की जरूरत होती है, जो फिलहाल भारत को चीन जैसे देशों से मंगानी पड़ती है।
हालांकि कोलकाता में नदी के नीचे मेट्रो सुरंग के लिए जर्मनी से टीबीएम मंगाई गई थी, लेकिन जर्मनी की तुलना में चीन की टीबीएम सस्ती होती है। वैसे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 2 को 6 अलग अलग पैकेज में बांटा गया है। पैकेज ए वर्सोवा और बांगुर नदी के बीच 4.5 किलोमीटर का है। पैकेज बी बांगुर नगर और माइंड स्पेस के बीच 1.66 किलोमीटर का है। पैकेज सी और डी में ट्विन टनल शामिल हैं। पैकेज ई 3.78 किलोमीटर का होगा, जो चारकोप को गोराई से जोड़ेगा। अंतिम पैकेज एफ 3.69 किलोमीटर का होगा, जो गोराई को दहिसर से जोड़ेगा। अब अगले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि जिस मुंबई में पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटक जाते थे, वहाँ बैक टू बैक सुरंगों का निर्माण कैसे हो रहा है। दरअसल मुंबई में समंदर के नीचे या किसी भी जगह पर ब्रिज या सुरंग बनाने से पहले दो तरह की परेशानी आती है। पहला फंड का इंतजाम, दूसरा पर्यावरण क्लियरेंस। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों पर तेजी से काम किया है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक जैसी संस्थाओं से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लिए गए हैं, जिससे मुंबई में वर्षों से फंसे इंफ्रा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हुआ। महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्यावरण क्लियरेंस देने में तेजी दिखाई, जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जल्दी बन रहे हैं, जिसके बाद जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक जैसी संस्थाओं से कर्ज भी मिल पा रहा है। यानी पर्यावरण क्लियरेंस के कारण सरकार को फंड की परेशानी भी नहीं हो रही है। समुद्र के अंदर बनने वाली इस दूसरी सुरंग से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि मुंबई का लाखों करोड़ों रुपए भी बचेगा। एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में कुल 43 लाख गाड़ियां हैं, जबकि हर साल 2.5 लाख नई गाड़ियां मुंबई में खरीदी जाती हैं। इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है कि एक आदमी का हर वर्ष 11 दिन का समय ट्रैफिक जाम में चला जाता है। ट्रैफिक की समस्या के कारण मुंबई का हर वर्ष कम से कम 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सोचिए कि 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और सिर्फ 16,621 करोड़ रुपए में 32 किलोमीटर लंबा मुंबई कोस्टल रोड तैयार हो जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मुंबई के दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ दिया जाएगा, यानी लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए शहर के बीच से नहीं गुजरना होगा। लोग रेड लाइट फ्री यात्रा कर पाएंगे। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सी लिंक वाली ये सड़क अभी 10.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे कांदिवली तक पूरा कर लिया जाएगा। जब ये कांदिवली तक पूरी हो जाएगी तो इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर के करीब होगी। अब बात करते हैं मुंबई में बन रही तीसरी सुरंग की, जो इन दोनों सुरंगों से काफी लंबी और गहरी है। ये सुरंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही है। इसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिलपाता तक बनाई जा रही है। इस 21 किलोमीटर की सुरंग में 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रिक में समुद्र के नीचे बनाई जाएगी। इस सुरंग की गहराई जमीन से 25 से 65 मीटर तक होगी। समुद्र के नीचे बनाई जा रही ये सुरंग मेट्रो ट्रेनों की सुरंग से अलग है। मेट्रो ट्रेनों के लिए सुरंग निर्माण के लिए 5 से 6 मीटर व्यास वाले कटर हेड लगी टीबीएम का इस्तेमाल होता है। वहीं यहाँ 13.1 मीटर व्यास वाले कटर हेड लगी टीबीएम का इस्तेमाल होगा। 16 किलोमीटर में खुदाई के लिए 3 टीबीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के 5 किलोमीटर के हिस्से की खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से होगी। इस सुरंग के बन जाने से यहां से बुलेट ट्रेन अपनी पूर्ण क्षमता से यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएगी। समुद्र के नीचे बन रही ये सुरंग एक सिंगल ट्यूब सुरंग होगी। इसमें बुलेट ट्रेन के आने और जाने के लिए 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे। सुरंग बनाने के लिए घनसोली, शिलपाटा और विक्रोली में खुदाई हो रही है। घनसोली में पहली टीबीएम अगले कुछ महीने में 39 मीटर गहराई में ठाणे क्रीक की ओर खुदाई शुरू कर देगी। अभी तक कोलकाता मेट्रो के पास हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो ट्रेन सुरंग है। इसके अलावा मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की लाइन 3 है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और धारावी स्टेशन को जोड़ते हुए मीठी नदी के नीचे जाती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से हम आपको देश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की जानकारी दे सके, आपको जानकार बनाए। और अगर ऐसा करने में हम सफल हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहिए।